अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक है वो है सर्विस क्वालिटी का। अब सर्विस क्वालिटी क्या चीज़ है, डिस्कस करते हैं। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू सर्विस इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो फोकस है वो हमने शिफ्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सर्विस इंडस्ट्री की जानेब, और सर्विसेज इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री हो ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने उसके अंदर जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो फोकस करना है सर्विस के ऊपर, ठीक है। जब आप उसके अंदर सर्विस क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हर एक चीज़ टेक्निकली बेहतर हो जाएगी। कस्टमर सर्विस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू विन, अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर। अब कस्टमर सर्विस जो है ये बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज है। सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस्तेमाल करती है किस लिए, किसी भी चीज को जीतने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट किसे करेगी, अपने कस्टमर्स वगैरह को, एंड रिटेन कस्टमर। अच्छा, अट्रैक्ट होता है अपनी तरफ मुतवज्जे करना, अपनी तरफ रागिब करना, और रिटेन कस्टमर्स में क्या होगा, रिटेंशन ये होती है कि आपके पास जो कस्टमर हैं आप उनको अपने साथ बांधी रखें। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक दिन में, आप ये कहें कि आपके पास एक मंथ में 100 कस्टमर आते हैं। अब 100 कस्टमर हर मंथ आते हैं, लेकिन उसमें से 50 कस्टमर वो हैं जो हर मंथ आते हैं। तो बेसिकली आपने मेंटेन किया हुआ है 100 कस्टमर्स को, लेकिन रिटेंशन कितनी की हुई है, रिटेंशन आपने 50% की हुई है। तो बेसिकली कस्टमर सर्विस का जो पर्पज है वो यही है कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और रिटेन करें। इट कैन बी प्रोवाइडेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। और ये कब कब आपने, जब आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप सेल के बाद, सेल के दौरान, किसी भी टाइम पे आप ये सर्विस जब प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विन, अट्रैक्ट और रिटेन की तरफ जाएगी। एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस, सबसे पहले नंबर पे कस्टमर सर्विस के एलिमेंट्स बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आइडेंटिफाई ईच सेगमेंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कंसंट्रेट ऑन क्वालिटी। कि आप ऑर्गेनाइजेशन के हर एक सेगमेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी अलग अलग एक निशानदेही करेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी आपको, जहां जहां पर भी आप क्वालिटी में कंसंट्रेट कर सकते हैं आप उसके अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट डाउन रिक्वायरमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ अ हैंडबुक। आप क्या करेंगे कि जितनी भी क्वालिटी पॉलिसी है हैंडबुक की शक्ल में आप रख लेंगे, ताकि आपको जिधर जिधर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट्स, इन्फॉर्म इट्स इंपॉर्टेंस टू ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज प्रोसेस, क्रिएट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एज इट ongoing and never ending process. Organized process में आप क्या करेंगे, एक systematic process बना लेंगे। systematic process का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि ये ongoing होगा, मतवातर लगातार ये आपका system चलता रहेगा। Organized physical spaces, अब physical spaces में क्या, aesthetics के अच्छा लगने का एक sense, atmosphere बनाएंगे, rooms पे बनाएंगे, recreation और wifi वगैरह आप वहां पर physical spaces वगैरह देंगे जिससे आपकी अट्रैक्शन में इजाफा होगा। देन कस्टमर केयर, हेनरी फोर्ड, द बॉस जस्ट हैंडल्स द कैश, इट इज अ कस्टमर हु पेज योर सैलरी। हेनरी कैश ने कस्टमर सॉरी हेनरी फोर्ड ने कस्टमर केयर को इतना इंपॉर्टेंट बताया, उसने कहा कि बेसिकली जो बॉस है आपका वो कैश को हैंडल करता है। असल में ये कैश जो है ये कौन पे करता है, ये आपकी जो सैलरीज है, ये तमाम तर चीजें हैं, ये बेसिकली आपका कस्टमर पे करता है। नंबर वन, मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, ट्रीट ऑल कस्टमर्स अलाइक, रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है। आपने क्या करना है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा आपने उसको पूरा उतरने की कोशिश करनी है, और हर कस्टमर को एक जैसा और बिल्कुल फौरी तौर पर
आपने उसको हैंडल करना है। गेट द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें। थिंक इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कस्टमर, और उसके जिस तरह से कस्टमर चाह रहा है आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू गेन करना है और उसको उसी तरीके से सेटिस्फाई करना है। डिलीवर व्हाट इज प्रॉमिस, कीप अप प्रॉमिस एट एनी कॉस्ट। जो चीज़ आपने देने का वादा किया है तो फिर उसके ऊपर आप कायम रखेंगे, उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे किसी भी कॉस्ट के ऊपर। मेक द कस्टमर फील वैल्यूड, आपने इस तरह से कस्टमर को हैंडल करना है कि वो वाकई में समझे कि मुझे यहाँ पे अहमियत दी जा रही है, ताकि क्या हो कि वो आपको छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन की जानिब ना जाए, बल्कि आप ही के साथ वो वर्किंग करने में या आप ही क्लाइंट बना रहे और रिटेंशन में रहे। सॉरी ये थोड़ा सा, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है मेक द कस्टमर फील वैल्यूड, रिस्पॉन्ड टू ऑल कंप्लेंट्स, छोटी है बड़ी है ज्यादा है कम है, किसी भी तरह की कंप्लेंट्स अगर आपको आती हैं तो आप उनको क्या करेंगे कि आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिक्स, अवर रिस्पॉन्ड टू कस्टमर, मेक हिम फील ही इज क्लाउड नाइन, मतलब कि आप उसकी शिकायत से या उसकी बात से ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके नतीजे में वो समझेगा कि जितना कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शायद मेरे लिए ही हो रहा है। इस तरह से अट्रैक्ट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब, आपकी सर्विस की जानिब। प्रोवाइड क्लीन एंड कंफर्टेबल रिसेप्शन एरिया, क्लीननेस, स्पेशियस ड्रेस कोड, वेदर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपने मुहैया करनी है। कम्युनिकेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटन, वर्बल एंड वेबसाइट मस्ट प्रूव क्वालिटी। जिस जिस जगह पे भी कम्युनिकेशन के जो भी वेज हैं, इन सब के अंदर आपने क्या करना है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को उनके अंदर क्वालिटी को आपने बरकरार रखना है। ऑप्टिमाइज ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड पर्सनल अटेंशन, ठीक हो गया। मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, चैनल्स एंड लेवल्स। प्रोवाइड प्लेन एंड नॉलेजेबल एंथुसियास्टिक एम्प्लॉयज, मतलब ऐसे प्रोवाइड हो जो एनर्जेटिक हो, नॉलेजेबल हो और जल्दी जल्दी और खुशगवार तरीके से क्लाइंट्स को हैंडल करें और उनको चीज़ें कम्युनिकेट करें। राइट डॉक्यूमेंट इन कस्टमर फ्रेंडली लैंग्वेज, सिंपल एंड पॉइंट ब्लैंक। फ्रंट लाइन पीपल, द पीपल, अब जो वो फ्रंट लाइन पीपल जो आपने सर्विस के अंदर रखने हैं वो कैसे हों, द पीपल हु हैव फर्स्ट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन विद द कस्टमर। ये वो लोग होंगे जिनका बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, इंटरेक्शन होगा कस्टमर के साथ। हायर पीपल हु लाइक पीपल ट्रेन ग्रूम देम, ऐसे लोगों को आपने ग्रूम करना है, ऐसे लोगों को ट्रेन करना है, ऐसे लोगों को आपने जॉब देनी है जो लोग लोगों से मिलना पसंद करते हो, उनको उनको अटेंड करने में, उनको एड्रेस करने में अच्छा लगता हो। चैलेंज देम टू डेवलप बेटर मेथड्स, स्मॉल चेंजेस इन पैकिंग, बिलिंग एक्सेट्रा, ये चीजें आप डेवलप करते रहेंगे, इससे बेहतरी आएगी। गिव देम अथॉरिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, गिव डिस्काउंट्स, फ्री गिव एक्सेट्रा। सर्व देम एज इंटरनल कस्टमर्स, ठीक है। सर्व देम एज इंटरनल कस्टमर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उनको एज इंटरनल कस्टमर लेके चलेंगे, जिसका फायदा क्या होगा कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो इस तरह आपकी ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी। मेक श्योर दे आर एडिक्वेटली ट्रेंड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब आपने उसको जो है ना, जो वर्कर्स हैं आपके, वो एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, सॉरी एडिक्वेटली ट्रेंड होने चाहिए, मुनासिब के रिटन ओरल कम्युनिकेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज इतनी स्ट्रांग हो कि आने वाला जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको यही फीलिंग आए कि जस्ट इज हैंडलिंग मी, मतलब कि उसके जहन में हो कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसको उसने हैंडल करना है। रिकोगनाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, नॉट स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट विद द कस्टमर। रिकोगनाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, कि जो लोग वर्कर्स को अच्छे, सॉरी कस्टमर्स को अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी इस एफर्ट को रिकोगनाइज किया जाए और इस परफॉर्मेंस को रिवार्ड किया जाए, ठीक है। वो फिर किसी भी सूरत में हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, वो मनी हो सकती है, कोई भी चीज़।
क्वालिटी कंट्रोल के इस लेक्चर सर्विस क्वालिटी में इतना ही। बहुत जल्द इसके अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।